नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देंगे। इसका पेड़ पूरे जो है भारत में आसानी से मिल जाता है। इसको सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है बाग बगीचों में और घर में भी। तो आज हम आपको कचनार के बारे में बताएंगे कि कचनार से कौन से रोगों को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मिलने वाली औषधि है। तो आइए हम आपको पहले कचनार के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, फिर बताते हैं कि कचनार से आप कौन से रोग ठीक कर सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कचनार का पेड़ है, ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। बागों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। इसके पेड़ की ऊँचाई 12 से 20 फुट ऊँची होती है। इसकी कमज़ोर शाखाएँ होती हैं। इसकी छाल भूरे रंग की होती है, जगह जगह पर फटी होती है, जिसकी मोटाई 1 इंच होती है। पत्ते शुरू में जुड़े हुए होते हैं और किनारे इसके खंडित होते हैं, जो 3 से 6 इंच लंबे और 2 से 5 इंच चौड़े होते हैं। हृदय के आकार के पत्तों में 9 से 11 सिराएं होती हैं। फूलों की कलियां हरी होती हैं। खिला फूल सफ़ेद रंग का होता है, लाल या पीला होता है। रंगों के आधार पर कचनार 3 प्रकार का होता है। पतझड़ के समय में यानी फरवरी और मार्च में वृक्ष पर फूल लगते हैं और फल मई में लगते हैं। फली 6 से 12 इंच लंबी होती है, लगभग 1 इंच चौड़ी होती है, चपटी और चिकनी होती है, जिसमें 10 से 15 बीज होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सफ़ेद कचनार ही मुख्य रूप से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। शेष 2 प्रकार के कचनार के गुण भी लगभग समान ही होते हैं। आप इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, फूलों का रस 10 से 20 मिलीमीटर की मात्रा में, छाल का काढ़ा 40 से 80 मिलीमीटर की मात्रा में आप ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कचनार के बारे में जानकारी दी है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं और इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि कौन से रोगों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिनके हाथ पैर में सूजन रहती है या शरीर के अन्य भाग पर भी सूजन रहती है। आप इसके लिए कचनार की जड़ ले लीजिए और पानी में अच्छी तरह से पीस कर उसका लेप बना लीजिए। उस लेप को अच्छी तरह से गर्म करिए और गर्म गर्म लेप को अपने सूजन के स्थान पर लगाइए। इससे सूजन में भी आपको आराम मिलेगा, अगर दर्द की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा उपाय उनके लिए जिनके मुंह में अक्सर छाले की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए कचनार का काढ़ा बना लीजिए और काढ़े में थोड़ा सा कत्था मिला लीजिए और उसको आप अपने छालों पर लगाइए। मुंह के छालों पर लगाना है आपको ये। दिन में अगर 3 से 4 बार आप लगाते हैं तो मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके दांतों में अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है और मसूड़े से खून आता है, आप इसके लिए कचनार की छाल ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से जलाकर उसकी राख बना लीजिए। उस राख से आप सुबह को मंजन करते हैं तो दांतों का दर्द भी ठीक होगा और आपके मसूड़े से खून आता है तो वह भी ठीक हो जाएगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनको बवासीर का रोग है, आप इसके लिए कचनार की छाल लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको दिन में ताज़ा पानी के साथ रोज़ लेना है। इससे कुछ ही दिनों बाद बवासीर के रोग में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें दांत से संबंधित परेशानी है या प्रमेह की परेशानी है या जिनके शुक्राणुओं में कमी है, तो आप इसके लिए कचनार की हरी कली ले लीजिए और वो सूखी हुई होनी चाहिए, तो उसको अच्छी तरह से आप पीस लीजिए। पीसने के बाद 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है। यह आप कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक लगातार लेते हैं, ताज़ा पानी के साथ आपको लेना है। 3 से 4 हफ्ते तक लगातार लीजिए, इससे प्रमेह का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें रक्तपित्त की परेशानी है, इसमें खून गिरना भी कहते हैं इसे हम, आप इसके लिए कचनार के फूल ले लीजिए, अच्छी तरह से सूखे हुए होने चाहिए वो, और उसका चूर्ण बना लीजिए। 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको दिन में 3 बार लेना है। इससे रक्तपित्त के रोग में आपको बहुत ही फायदा होगा। ताज़े फूल मिल जाते हैं आपको तो उसके आप सब्जी बना करके भी खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके गले में अक्सर गांठें बन जाती हैं और टॉन्सिल की समस्या रहती है, आप इसके लिए कचनार की छाल ले लीजिए, 1/2 कप की मात्रा में काढ़ा बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण मिला लीजिए आप, और आप दिन में 3 बार इसका सेवन करते हैं तो आपके जो गले में गांठें बन गई हैं वह ठीक हो जाएंगी। दर्द की भी समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनको अक्सर कब्ज की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए कचनार के फूलों का गुलकंद ले लीजिए। रात को सोने से पहले 2 चम्मच आप रोज लेते हैं तो कुछ ही दिन में आपको कब्ज की जो समस्या बनी है वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनको खाना सही ढंग से नहीं पच पाता है या भूख कम लगती है, आप इसके लिए कचनार की कलियां ले लीजिए, ये फूलों की कलियां लेनी है आपको, और इसको घी में अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने के बाद पीस लीजिए 1-1 चम्मच की मात्रा में, रोज़ सुबह और शाम आप इसका सेवन करते हैं तो आपका खाना भी सही ढंग से पचेगा, अगर आपको जो है भूख नहीं लगती है तो उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी।
दोस्तों अगला उपाय उनके लिए जिन्हें अफारा बना रहता है पेट में हमेशा, गैस की समस्या बनी रहती है। आप इसके लिए कचनार के छाल का काढ़ा बना लीजिए। कम से कम आपको 20 मिलीमीटर की मात्रा में आपको ये काढ़ा बनाना है। उस काढ़े में आधा चम्मच की मात्रा में अजवाइन मिला लीजिए। आप इसका सेवन खाना खाने के बाद कीजिए, सुबह को और शाम को। इससे आपके पेट में गैस बनने की समस्या ठीक हो जाएगी। अफारा बनता है तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगला उपाय उनके लिए जिन्हें दमे का रोग है, जिन्हें सांस से संबंधित बीमारी है, खांसी की समस्या है, आप इसके लिए कचनार की छाल का काढ़ा बना लीजिए। 2 चम्मच की मात्रा लीजिए आप और 1 चम्मच उसमें शहद मिला लीजिए। आपको जो है ये एक समय की दवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चम्मच आपको काढ़ा लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। आप इसको दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर और शाम। इससे आपके दमे के रोग में भी बहुत आराम मिलेगा। सांस से संबंधित कोई परेशानी है तो वह भी ठीक हो जाएगी और खांसी की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज हमने आपको कचनार के बारे में जानकारी दी है। आप इसको आसानी से पहचान कर अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद को हम आपके ही माध्यम से हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।